चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना पारिवारिक वजह से यूएई से हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। वो पूरे सीजन के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। चेन्नई के सीईओ केएस विश्वनाथन ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि टीम इस वक्त में उनके परिवार के साथ है। आपको बता दें कि सुरेश रैना ने हाल ही में 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहने के बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। सुरेश रैना ने 226 वनडे मैचों में रैना ने 5 सेंचुरी की मदद से 5615 रन बनाए। वहीं T20 क्रिकेट में उन्होंने 1 सेंचुरी के साथ 1605 रन बनाए। वहीं BCCI ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि IPL 2020 के लिए UAE गई टीमों में से 2 खिलाड़ी सहित कुल 13 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। BCCI के अनुसार 20 अगस्त से 28 अगस्त के बीच सभी खिलाड़ी, स्पोर्ट्स स्टाफ, टीम मैनेजमेंट, BCCI स्टाफ, IPL ऑपरेशन टीम, होटल और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट स्टाफ सहित 1000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 2 खिलाड़ी सहित 13 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना की चपेट में सभी खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ को और उनके संपर्क में आने वाले को आइसोलेट कर दिया गया है। IPL की मेडिकल टीम इस चीज की जांच भी कर रही है। खबरों के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी, गेंदबाज दीपक चहर और बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि BCCI ने नामों की पुष्टि नहीं की है, मगर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक चहर के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को भी कोरोना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यदेव।